सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फॉलोइंग डिफरेंस हैव बीन अराइज, कुछ डिफरेंस है जिसको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है। पी क्यू और आर जो पार्टनर हैं, स्टेट हु द करेक्ट ईच केस। तो कौन सा केस है जिसको हम करेक्ट बोल सकते हैं? फर्स्ट कहता है, पी कहता है यूज करता है 20,000 बिलोंग टू फर्म, जो फर्म की जो एसेट है उनको यूज करता है 20,000 की, और प्रॉफिट अर्न करता है 5,000 का। और जो क्यू आर है ये कहते हैं वांट्स टू अमाउंट गिव टू द फर्म, के भाई जो आपने बिजनेस की 20,000 के एसेट यूज करके अर्न किया है 5,000, ये भी लेके आओ, और जो 20,000 यूज किया ये भी लेके आओ। ये कहते हैं क्यू और आर। तो इस केस में क्या होना चाहिए, क्योंकि इसने जो बिजनेस के एसेट यूज किए है तो इस केस में ये लेके आना चाहिए 20,000 भी और 5,000 भी। तो पी क्या है इसके लिए बाउंड है कि 20,000 पे करे, साथ में 5,000 का प्रॉफिट भी अर्न जो किया है वो भी पे करे। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि अमाउंट बिलोंग टू फर्म, क्योंकि अमाउंट किससे बिलोंग करता है, ये फर्म से बिलोंग करता है। जिसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम बात करें, एक करेक्टरिस्टिक्स थी प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर पी की बात करें तो ये एज ए प्रिंसिपल एज ए एजेंट ऑफ अ फर्म, कि ये जो पी है ये प्रिंसिपल के तरीके से भी रोल प्ले कर रहा है और जो एजेंट है उसके तरीके से भी रोल प्ले कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कहीं भी इनका यूज कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्यू और जो आर है एज पर द रूल एनी प्रॉफिट अर्न बाय एन एजेंट, अगर कोई एजेंट इनके बिहाफ पे काम करता है फर्म के बिहाफ पे, जो पी ने किया है इन्वेस्टमेंट किया जो भी किया है उसकी वजह से बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिट उठाया है, तो वो 20,000 प्लस 5,000 दोनों देने के लिए फर्म के लिए बाउंड है। तो पी यहाँ पर बाउंड हो जाएगा क्यू और आर के द्वारा जो डिमांड की गई है। अगर हम सेकंड की बात करें, बी केस की बात करें, क्यू क्या करता है यूज करता है 5,000 बिलोंग टू द फर्म और इसको क्या हो जाता है लॉस हो जाता है, कितने का 1,000 का। ही वांट्स द फर्म बियर द लॉस, और ये चाहता है कि जो ये लॉस है जो फर्म के द्वारा बियर किया जाए। तो क्यों क्या होएगा, लाइबल होएगा कि 5,000 जो भाई फर्म के लिए पे किए हैं आपने, फर्म के जो रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं उनको पे करो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट है एवरी पार्टनर की, इसलिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाइबल है कि अगर कोई लॉस होता है हिज और हर विलफुल नेग्लिजेंस, अगर वो जानबूझकर कोई इस तरह का जानबूझ के कोई लॉस अर्न करता है लॉस बियर करता है, तो ऐसे में उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो लॉस की पे करे पेमेंट करेगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें हियर, यहाँ पर क्यू इज ये अकेला ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, जो लॉस ने 1,000 बिकॉज यूज किया इसने प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, जो फर्म की जो प्रॉपर्टी थी उसको यूज किया है। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज ए प्रिंसिपल, इन्होंने क्या कैसे काम किया, एज ए प्रिंसिपल के तौर पे काम किया, एज ए एजेंट के तौर पे काम नहीं किया है। तो यहाँ पर रेदर देन द एजेंट, तो यहाँ पर अदर पार्टी और फर्म यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ क्यू ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम थर्ड केस की बात करें, पी और क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, पी और क्यू दो पार्टनर हैं और ये कहते हैं कि हमने ए लिमिटेड से कुछ गुड्स परचेज करने हैं, और आर भी पार्टनर है, आर कहता है मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं हूँ। तो या तो उन्होंने रिटर्न में पहले कोई नोटिस जारी किया हो, अगर नोटिस नहीं जारी किया तो पी और क्यू परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें पी और क्यू में बाय गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, एक्सप्लेनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू अगर पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, पार्टनर को राइट मिलता है कि वो बाय कर सकते हैं सेल कर सकते हैं गुड्स को विदाउट कंसल्टिंग, मतलब आप बिना आपस में आपसे बात विचार किए ही वो गुड्स को बेच सकते हैं अदर पार्टनर से विचार किए बिना, अनलेस जब तक कि पब्लिक में कोई रिटर्न में नोटिस जारी ना किया जाए पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं लगाई जाए कि भाई सेल कर सकते हो या परचेज कर सकते हो, अगर कोई नोटिस नहीं है तो कोई भी पार्टनर सेल कर सकता है और परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डी पॉइंट की बात करें, क्यू एंड आर वॉन्ट्स टू एडमिट सी एज ए पार्टनर, क्यू और आर क्या कहते हैं सी को पार्टनर बना लिया जाए,
लेकिन पी कहता है मैं भाई इस बात से एग्री नहीं हूं। तो जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होते तब तक नया पार्टनर ऐड नहीं हो जाता। तो सी विल नॉट बी एडमिटेड, सी को हम एडमिशन नहीं देंगे, बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर जो पी है वो एग्री नहीं है एडमिट करने में सी पे। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, अगर नया पार्टनर ऐड करना है तो कैन नॉट बी एडमिट नहीं कर सकते आप, जब तक कि फर्म के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सभी के सभी एग्री नहीं हो जाते इस डिसीजन पे। अदर वर्ड्स के अंदर बात करें तो नया पार्टनर कैन एडमिट तभी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब सभी के सभी पार्टनर अपनी कंसेंट दे दें, अपनी सहमति दे दें, जितने भी पार्टनर है तभी कोई नया पार्टनर ऐड हो सकता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।